नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 11th का स्टेट चालू कर दिया था, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रहे थे। उसका नाम है आवृत्ति वितरण की विषमता, स्क्वेयरनेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें बच्चों हमने पहला मेथड चला दिया था कार्ल पियर्सन की मेथड, और दूसरा बच्चों बाउली की मेथड में मैंने जिस सवाल के अंदर एक्साई एफआई दिया होता है इस टाइप का क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिया था। तो आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको वापस से बाउली की मेथड सिखाऊंगा, बट बाउली की मेथड में बच्चों आज हम वर्ग वाले कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जितने भी टफ क्वेश्चन होंगे उन सभी को एकदम ईजी बना करके मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों हम ऑलरेडी बाउली की मेथड सीख रहे थे, तो बाउली की मेथड में हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो बाउली की मेथड को पहले हम फॉर्मूला वगैरह समझ लेते हैं, फिर बड़ा मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए बड़ा सबसे पहले बाउली मेथड के सूत्र वगैरह देख लो बच्चों। तो बाउली मेथड में बता विषमता और विषमतांक निकालने का सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है, और मैंने बताया था बच्चों अगर सवाल के अंदर एक्स आई एफ आई दिया हो तब आपको ये वाला सूत्र लगाना पड़ता है, और इस टाइप का एक सवाल मैंने बच्चों ऑलरेडी बनाकर बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जा करके देख लीजिए। आज बच्चों हम आपको सवाल के अंदर बच्चों किसी सवाल के अंदर बच्चों वर्ग दिया होगा ना वर्ग, तब बच्चों आपको Q1 और M और आपको यहाँ पर Q3 निकालने के लिए इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो किस तरीके से निकालना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे तरीके से करना है, वो सब चीज़ें मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों हम लेने वाले हैं एक्सरसाइज का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेने वाला हूँ, जिसमें बच्चों सवाल के अंदर वर्ग दिया होगा तो हम किस तरीके से सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर लेने वाला स्वाध्याय 5.2 का सेकंड नंबर का क्वेश्चन। अब सेकंड नंबर पे क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों, यहाँ पर देखो बाउली की पद्धति विषमता और विषमतांक दोनों ही ज्ञात करना है, और सवाल के अंदर बच्चों यहाँ पर से कम और जीरो, यहाँ पर सवालों के अंदर अगर देखोगे तो वर्ग नहीं दिया है, जबकि बच्चों यहाँ पर देखो वर्ग आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देखो आपको वर्ग दिया हुआ है। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो आपको आ जाएगा सिंपल तरीके से, वर्ग दिया हुआ तो इसमें वर्ग निकालने की जरूरत नहीं, बट ऐसे सवाल में बच्चों आपको वर्ग नहीं दिया है तो वर्ग आपको बनाना पड़ेगा ना। तो बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ, बाकी ये वाले सारे सवाल आपको ऑलरेडी वर्ग दिया है तो निकालना कैसे वो टेक्निक तो मैं आपको अभी सिखा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों ये वाले सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी कर लिए हैं, और बच्चों मैं आपको पूरा डिटेल में क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों, और एकदम डिटेल में समझाऊंगा, बस वीडियो में बने रहिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सवाल को ध्यान से देखो बच्चों तो इस सवाल के अंदर वर्ग नहीं दिया है, तो वर्ग नहीं दिया है से कम दिया है, तो पहले इस से कम से हमें इसको वर्ग में बदलना पड़ेगा, वर्ग बनाना पड़ेगा। तो वर्ग बनेगा कैसे वो सीखो मेरे प्यारे बच्चों। जब भी सवाल के अंदर से कम दिया हो बच्चों और आपको वर्ग बनाना है तो पहले ये देखने का बच्चों कितने कितने का अंतर है, 100 से 300, 300 से 500, तो सब में 200 का अंतर है बच्चों, ठीक है। तो पहले से कम बोला बच्चों, से कम बोला है तो 100 के पहले कौन सा नंबर आता है बच्चों, 100 के पहले तो यहाँ पर आएगा बच्चों 0 से लेकर 100, फिर 100 से लेकर यहाँ पर बनेगा बच्चों 100 से यहाँ पर आएगा 300, फिर 300 से बच्चों यहाँ पर आएगा 500, फिर 500 से यहाँ पर होगा बच्चों 700, फिर 700 से बच्चों यहाँ पर होगा 900, फिर 900 से बच्चों यहाँ पर होगा 1100, 1100 से बच्चों यहाँ पर होगा 1300, ठीक है। आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर वर्ग ऑलरेडी बन चुका है और आपका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। अब बच्चों यहाँ पर एफआई नहीं दिया है तो एफआई कैसे बनाएंगे उसे भी ध्यान से सीख लो। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर जब भी कभी से कम दिया तो ऊपर से करने का कैलकुलेट, ठीक है। तो 0 का 0 लिखेंगे बड़ा, ठीक है। अब बच्चा क्या करेंगे, 6 में से 0 माइनस करो बच्चों तो क्या आएगा, 6 का 6 आएगा, ठीक है। और 16 में से बच्चों 6 माइनस करो कितना आएगा, 10 आएगा। और 19 में से बच्चों 16 माइनस करो कितना आएगा, 3 आएगा। और 23 में से बच्चों 19 माइनस करो कितना आएगा, 4 आएगा। और 27 में से बच्चों 23 माइनस करो कितना आएगा, 4 आएगा।
और 31 में से 27 माइनस का बच्चों कितना आएगा 4। अब यहाँ पर देखो बच्चों, कायदे सर वर्ग और FI आपकी बन चुकी है। बस अब आपको बड़ा एक लास्ट कॉलम रेडी करना होता है बड़ा, जब भी कभी बावली की मेथड होगा तो आपको कंपलसरी CFI बनाना पड़ेगा। तो ये CFI निकलता कैसे, पहले उससे आप अच्छे तरीके से सीख लो। तो बच्चों CFI कैसे निकलेगा मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले बच्चों ये FI ना, ये FI का टोटल मारो, तो इसका टोटल मारोगे बच्चों कितना आएगा 31। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, CFI कैसे निकलेगा, यहाँ पर जीरो है तो जीरो का जीरो लिख दो। ठीक है, अब बच्चों जीरो में 6 जोड़ोगे कितना होगा 6, और 6 में 10 जोड़ोगे बच्चों कितना आएगा 16, और 16 में 3 जोड़ोगे बच्चों कितना आएगा 19, 19 में 4 जोड़ोगे बच्चों कितना आएगा 23, और 23 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा 27, 27 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा बच्चों 31। तो ये देखो CFI भी यहाँ पर निकल गया। अब बच्चों यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर वर्ग दिया है। अब अगर सवाल को देखो बच्चों ध्यान से, अगर सवाल को देखो तो इस सवाल के अंदर वर्ग FI और वर्ग और FI दिया रहेगा, तो अब हम आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों बाकी के सवालों में बच्चों वर्ग और FI पहले से दिया होगा निकाल के, तो आपको डायरेक्टली आपको निकाल देना रहेगा। तो बच्चों इसके अंदर से कम से अधिक दिया था, इसे कम दिया था, इसलिए हमको यहाँ पर वर्ग बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको जो होमवर्क दूंगा उसमें से पहले से बच्चों आपको वर्ग बना के दिया रहेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। और बच्चों दूसरी चीज़ें, अगर आप लोगों को बच्चों नहीं समझ में आए तो प्लीज़ बच्चों कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना, जिससे मैं आप लोगों को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ, आपको समझा सकूँ, आपकी बेजी में उतार सकूँ बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों मुझे क्या निकालना होगा बच्चों, ये सूत्र लगाना तो है, सबसे पहले बच्चों मुझे Q3 निकालना पड़ेगा, Q1 निकालना पड़ेगा, M निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए बच्चों हमें कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, हमें ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बड़ा यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ध्यान से सीखिए बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालना है बच्चों, Q1 तो Q1 का सूत्र क्या है बच्चों, N/4 वह अवलोकन का मूल्य। ठीक है, N कितना दिया बच्चों 31, 31/4 वह अवलोकन का मूल्य। अब बच्चों इसमें इसका भाग दोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 7.75 आएगा। कितना आएगा बच्चों 7.75 आ गया। अब बच्चों इसे हम देखेंगे CFI में देखने पर। ठीक है, तो देखो बच्चों इसके अंदर आएगा, इसमें आएगा नहीं, इसमें आएगा हाँ। तो बच्चों इसके अंदर क्या करेंगे, पूरा बॉक्स पैक कर लेंगे बच्चों। जब बॉक्स पैक करेंगे बच्चों तो हमें Q1 के लिए बच्चों ये निकालना पड़ेगा। तो उसमें किसकी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, L की ज़रूरत पड़ेगी, N/4 की ज़रूरत पड़ेगी, CFI की ज़रूरत पड़ेगी, F की ज़रूरत पड़ेगी, C की। तो जिसकी जिसकी ज़रूरत है बच्चों पहले वो सब चीज़ें यहाँ पर लिख दो बच्चों। L की ज़रूरत पड़ेगी, F की ज़रूरत पड़ेगी, CFI की ज़रूरत पड़ेगी, और C की ज़रूरत पड़ेगी, और N/4 की ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों कैसे निकालोगे, तो ध्यान से सीखो बच्चों। यहाँ पर तो बच्चों यहाँ पर ये इसको बोलेंगे बच्चों L, तो L आपका हो जाएगा बच्चों 300, F इसको बोलेंगे F, और इसको बोलेंगे CFI। तो ये हो जाएगा बच्चों 10, और ये हो जाएगा CFI, और इन दोनों के बीच के अंतर कितने का अंतर बच्चों 200 का अंतर, और N/4 हमने निकाला कितने 7.75। बस सारी चीज़ें निकल के बच्चों बस सूत्र के अंदर वैल्यू पुट कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो Q1 का सूत्र क्या है बच्चों, L+N/4 माइनस CFI अपोन में F गुड़े में C। ये सब चीज़ें इस सूत्र के अंदर वैल्यू पुट कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो L कितना है बच्चों 300 प्लस N/4 है 7.75 माइनस CF है 6 और F है 10 गुड़े C है आपका 200। ठीक है, चलिए फिर 300 प्लस 7.75 में से बच्चों माइनस करो 6, 7.75 में से माइनस करो 6 कितना आएगा 1.75 बटे में 10 गुणे में 200। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना बच्चों। आगे क्या करेंगे बच्चों, आगे ध्यान से देखिए बच्चों, आगे यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, फिर लिखेंगे
300 प्लस 1.75 में बच्चे 200 गुणा करो, 1.75 गुणे 200 कितना होगा, 350 भागे 10। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें इसको भाग देंगे, तो 300 प्लस 350 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 35। अब 300 में बच्चों 35 का गुणा जोड़ेंगे तो कितना होगा, 335। तो बच्चों Q1 आपका कितना आ गया, 335। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, अब हमें निकालना है M। तो M का सूत्र क्या होता है, N बाय 2 वह अवलोकन का मूल्य। ठीक है, तो N कितना दिया बच्चों, 31 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 31/2 वह अवलोकन का मूल्य। अब बच्चे इसमें भाग देंगे, 31 में बच्चों अगर हम 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 15.5 वह अवलोकन। लिखेंगे CFI में देखने पर। अब बच्चों CFI में देखो बच्चों किसके अंदर आएगा, देखते ध्यान से, इसके अंदर आएगा 15.5, इसमें आएगा बच्चों, इसमें आएगा 15.5 बच्चों 16 के अंदर आएगा। ठीक है, 15.5 इसमें आएगा बच्चों 16 के अंदर आएगा, मतलब इसी में आएगा। ठीक है, इसी में ही आएगा, है ना, 15.5 इसी में आएगा ना बच्चों, तो यही वाला कॉलम वापस से करेंगे। चलिए, तो जो जो की चीज़ की ज़रूरत है बेटा वो लिख दो, L की ज़रूरत पड़ेगी, F की ज़रूरत पड़ेगी, CFI की ज़रूरत पड़ेगी, C की ज़रूरत पड़ेगी और N/2 की ज़रूरत पड़ेगी। जो वो जो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी लिख दो बेटा। L आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 300। ठीक है, L आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 300 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताओ बच्चों N/2 कितना होगा, N/2 हो जाएगा बच्चों 15.5, F हो जाएगा बच्चों आपका 10, CF हो जाएगा आपका 6 और अंतर हो जाएगा 200 का। ठीक है, बस सूत्र लिख दो बच्चों, M बराबर L प्लस N/2 माइनस CFI F गुणे में C। अब L कितना है बच्चों, L है आपका 300 प्लस N/2 आपका कितना है बच्चों 15.5, CF कितना है बच्चों 6 और F कितना है 10 गुणे C है 200। आगे बच्चों कैसे सोल्व करेंगे उसे देख लो बच्चों। चलो बच्चों आगे देखो, फिर 300 प्लस, अब बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर 15.5 में माइनस करेंगे बच्चों 6, कितना आएगा 9.5/10 गुणे में 200। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पर लिखेंगे 300 प्लस 9.5 में 200 का गुणा करो, 9.5 गुणे 200 कितना आएगा बच्चों 1900 भागे 10, भाग करेंगे बच्चों 10 से कितना आएगा 190 प्लस 300, दोनों को जोड़ेंगे बच्चों कितना आएगा 490। तो M बराबर कितना आ गया बच्चों, 490 आ गया। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आए। अब बच्चों हमें क्या निकालना होता है, अब हमें निकालना है Q3। तो Q3 कैसे निकालेंगे, Q3 का सूत्र क्या है बच्चों, Q3 बराबर 3N/4 वह अवलोकन का मूल्य। तो 3 का 3, N की जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों 31/4 वह अवलोकन का मूल्य। ठीक है, चलिए बच्चों आगे 31 में बच्चों 3 का गुणा करो, 31/3 करो कितना होगा 93/4 वह अवलोकन का मूल्य। अब 93 बच्चों भाग देंगे कितना आएगा यहाँ पर 23.25 वह अवलोकन का मूल्य। लिखेंगे CFI में देखने पर। अब बच्चों CFI में देखेंगे कैसे, चलो देखते बच्चों CFI में 23 इसके अंदर आएगा नहीं, इसमें आएगा, इसमें आएगा नहीं, इसमें 23 क्या है बच्चों 23.25 बोला है, तो 23 के अंदर नहीं आएगा, 27 वाले में आएगा, क्योंकि 23 पॉइंट क्या है ज़्यादा है बच्चों, तो इसमें आएगा वो। तो ये आपका हो जाएगा L, ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा CFI। ठीक है, चलिए बच्चों जो जो चीज़ मिल जाए बड़ा, जिसकी इसकी ज़रूरत हो बड़ा पहले वो लिख देते हैं। हमको L की ज़रूरत पड़ेगी, F की ज़रूरत पड़ेगी, CF की ज़रूरत पड़ेगी और
सी की जरूरत पड़ेगी, एन बाय फोर, थ्री एन बाय फोर की जरूरत पड़ेगी। चलिए एल, एल बच्चों कितना दिया है 900, यहाँ लिखेंगे 900। और बच्चों एफ, एफ दिया है 4 और सी एफ दिया है 23, एफ दिया है 4, सी एफ दिया है 23। एस सी, सी अंतर कितने कितने हैं 200, थ्री एन बाय फोर कितने बच्चों 23.25। बस सूत्र के अंदर वैल्यू पुट कर दो आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए सूत्र लिखते बच्चों, Q3 बराबर यहाँ पर L प्लस 3N बाय 4 माइनस सी एफ आई अपोन में F गुड़े में C। L बच्चों कितने हैं 900 प्लस 3N बाय 4 कितने बच्चों 23.25 माइनस सी एफ आई कितने हैं 23 और F कितने हैं 4 और C है 200। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिखेंगे हम 900 प्लस 23.25 में से 23 माइनस करेंगे तो 0.25 भागे 4 गुणे करेंगे 200। आगे बच्चों हम क्या करने वाले हैं ध्यान से सीखो। इसके बाद बच्चों 200 गुणे 0.25, 200 गुणे 0.25 करेंगे तो कितना आएगा 50 गुणे 4 प्लस 900, तो 900 प्लस, अब बच्चों 4 का भाग देंगे कितना आएगा 12.5। अब बच्चे इसमें प्लस करेंगे 900 कितना आएगा 912.5। तो ये बच्चों जो आंसर आएगा वो किसका आएगा Q3 का आएगा। अब अगर ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों तो M की वैल्यू भी आ गई, Q3 की वैल्यू भी आ गई और यहाँ पर Q1 की वैल्यू आ गई और हमें निकालना क्या है बच्चों विषमता निकालना है। क्या निकालना है विषमता, क्या निकालना है विषमता। एस के इसका सूत्र क्या होता है बच्चों Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, यही सूत्र था ना बच्चों। चलिए Q3 कितना निकाला हमने 912.5 प्लस Q1 कितना निकाला बच्चों Q1 335 माइनस 2 का 2, m कितना निकाला 490। चलिए तो 912 प्लस 490 कितना होगा बच्चों 1247.5 माइनस 490 गुणे 2 करेंगे तो 980 होगा बच्चों। ठीक है, इन दोनों में माइनस करो बच्चों, माइनस करो कितना आएगा तो 267.5। ये आपका विषमता है बच्चों, हमें निकालना है विषमतांक। तो बच्चों विषमतांक का सूत्र क्या होता है, विषमतांक मतलब जे, तो जे का सूत्र क्या होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m Q3 माइनस Q1, यही सूत्र है बच्चों। हाँ देख लेते एक बार फिर से, यस बच्चों यहाँ पर देख सकते हो ये रहा विषमतांक। ठीक है, सूत्र यही है। चलिए Q1 Q3 हमने निकाला, ये Q2 ये रहा, m ये रहा और Q1 ये रहा। यहाँ पर Q3 की वैल्यू है बच्चों 912.5 प्लस Q1 की वैल्यू है 335 माइनस 2, m की वैल्यू है 490, Q3 की वैल्यू है 912.5 माइनस 335। ठीक है, चलिए बच्चों अब 912 प्लस 335 करेंगे, 335 करेंगे बच्चों कितना होगा 1247.5 और इन दोनों को गुणा करेंगे बच्चों कितना आएगा 980 और इनमें से इसको माइनस करोगे बच्चों कितना आएगा 577.5। इसमें से इसको माइनस करो बच्चों कितना आएगा, जल्दी बेटा माइनस करो तो 267.5 भागे 577.5। ठीक है, अब बच्चों इन दोनों में भाग दोगे, भाग दोगे कितना आएगा बच्चों 0.46। तो यही क्या होगा बच्चों जे का आंसर मतलब विषमतांक का आंसर रहेगा। आयो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। तो बच्चों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो सकता है। ठीक है, अगर मेरे कॉन्सेप्ट मेरे तरीके से करोगे बच्चों 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर Q1 निकाला बच्चों, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बच्चों यहाँ पर M निकाला, ठीक है M निकाला, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर Q3 निकाला, ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों मैंने विषमतांक निकाला,
फिर यहाँ पर विषमता निकाला बच्चों। इस तरीके से यहाँ पर सारे सवालों को मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। तो बच्चों इस सवाल के अंदर आपको वर्ग नहीं दिया था, ठीक है, और बाकी सवाल के अंदर बच्चों डायरेक्टली आपको वर्ग दिया रहेगा, तो आपको डायरेक्टली सिर्फ यही सब निकालना रहेगा Q1 Q3 Q3। तो ठीक है बच्चों, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था वो तो मैंने करवा दिया, बाकी जितने भी आसान क्वेश्चन बच्चों वो इसी मेथड से करना है। वर्ग FI आपको पहले से दिया रहेगा, बस आपको CFI निकाल के सवाल को चालू कर देना। तो इसी मेथड से सारे सवालों को करना है। मैं जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको ईमानदारी से शिद्दत के साथ बच्चों अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो बड़ा मैं गारंटी लेता हूँ बच्चों कि आप चुटकियों में सारे सवालों को यूँ चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। लेकिन शर्त इतनी है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुमको सवालों की प्रैक्टिस आपके माइंड में आ जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस करते रहो बच्चों, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे सवाल दे रहा हूँ बच्चों, प्रैक्टिस कर लेना। तो स्वाध्याय 5.2 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करना है। फिर उसके बाद बच्चों सेक्शन F का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 करना है बच्चों। उसके बाद बच्चों उदाहरण नंबर 13, उदाहरण नंबर 14 आपको करना रहेगा। जब भी कभी सवालों को प्रैक्टिस करो तो सबसे पहले बच्चों आपको एग्जाम्पल करना है, फिर उसके बाद 5.2 करना है, उसके बाद बच्चों आपको सेक्शन नंबर F करना है। अगर इस सीक्वेंस में करोगे बच्चों तो गारंटेड बच्चों आपको सारे सवाल समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी का क्वेश्चन बच्चों, बाकी का लेक्चर मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ, ठीक है। आज से बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 5 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बच्चों में आपको छोटे सवाल कराऊंगा और छोटे सवाल में किस तरीके से करना है, किस तरीके से सूत्र लगाना है, वो सारे डिटेल बच्चों में आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय।